ट्रायंगल रे सगला दर्शका ने दीपाली माथुरी राम राम राजस्थान री खबरा माए ठाको स्वागत छे। नजर डाल से ई वक्त मुख्य खबरा पर। सदन माए उठ्यो लखीमपुर खीरी हिंसा रो मामलो, मंत्री अजय मिश्र टेनी रे इस्तीफा री हुई मांग, हंगामा रे बाद स्थगित हुई सदन री कार्रवाई। कांग्रेस रे बाद अब बीजेपी रो हल्ला बोल, प्रदेश भाजपा गहलोत सरकार रे खिलाफ निकाल रही छे जन आक्रोश रैली, प्रमुख नेताओं ने मिली जिम्मेदारी। राजस्थान रे चार जिला माए आज पंचायत और जिला परिषद रा दूसरा चरण रा हो रिया छे चुनाव, कोरोना प्रोटोकॉल री हो रही छे पालना। क्रिकेट खिलाड़िया रे बीच विवाद पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रो बयान, खेल सुबड़ो कोई कोनी, खेल ही सर्वोत्तम छे। आज सदन रे शुरुआत हंगामा रे सागे हुई। सदन माए आज विपक्ष रा नेता मंत्री अजय मिश्र टेनी रे इस्तीफा री मांग करी छे, जिके बाद राज्यसभा री कार्रवाई 12 बजे तक और लोकसभा री कार्रवाई 2 बजे तक के ताई स्थगित होगी। वठे ही लोकसभा माए भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्थगन रो नोटिस दियो छे। लोकसभा माए मंत्री इस्तीफा दो रा नारा भी लगाया गया। ओमिक्रॉन रा खतरा रे बीच कोरोना रा मामला माए उतार चढ़ाव रो दौर जारी छे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार ने जारी आंकड़ा रे अनुसार बीता 24 घंटा माए कोरोना संक्रमण रा 6,984 मामला सामने आए छे और 247 लोगा री मौत होगी। ई दौरान 8,168 लोग स्वस्थ भी हुआ छे। स्वास्थ्य मंत्रालय रे अनुसार देश माए अब कुल 87,562 सक्रिय मरीज बचा छे। जयपुर माए कांग्रेस री हुई महारैली रे बाद अब बीजेपी भी गहलोत सरकार रे खिलाफ हल्ला बोल री तैयारी कर रही छे। आज प्रदेश रा कई जिला माए प्रदेश भाजपा जन आक्रोश रैली निकाल रही छे। एके ताई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज बूंदी जिला रे दौरा पर रहसी। इस दौरान पूनिया जनसभा ने भी संबोधित करसी। वटे ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बांसवाड़ा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर धौलपुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सवाई माधोपुर माए होबाड़ी जन आक्रोश रैली ने संबोधित करसी। पार्टी प्रदेश नेतृत्व सभी जिला माए आगामी 20 दिसंबर तक जन आक्रोश रैली निकालबा का निर्देश दिया छे। राजस्थान रा चार जिला माए आज जिला परिषद और पंचायत सदस्य रे चुनाव रेताई दूसरा चरण रा मतदान हो रहा छे। प्रदेश रा 12 कोटा, श्रीगंगानगर और करौली माए सवेरा सु मतदान रेताई मतदाताओं माए उत्साह नजर आ रियो छे। वटे ही आज 12 बजे तक चारों जिला माए करीब 28.21% तक मतदान हो गयो। ई दौरान मतदाताओं सु कोरोना प्रोटोकॉल री पालना भी कराई जा रही छे। सगला बूथा पर मास्क रे सागे ही मतदाताओं ने प्रवेश दियो जा रियो छे। वटे ही अब चारों जिला माए तीसरा चरण रा मतदान 18 दिसंबर ने होसी और 21 दिसंबर ने प्रत्याशिया रे भाग्य रो फैसलो हो जासी। भीलवाड़ा रे शाहपुरा ब्लॉक आखरी उप तहसील ढिकोला गांव माए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर रो शुभारंभ हुयो। इस शिविर माए विभिन्न रोगा रा विशेषज्ञ मौजूद रिया। इस दौरान कई तरीका की जांचा और निशुल्क दवा रो वितरण भी करियो गयो। इस शिविर रो फायदो क्षेत्र रा कुल 300 सु ज्यादा लोग उठायो। वटे शाहपुरा ब्लॉक रा चिकित्सा अधिकारी सुनील शिविर रो अवलोकन करियो और सरपंच प्रतिनिधि गणपत खटीक फीतो काट कैंप रो शुभारंभ करियो। डीडवाना माए आवारा पशुओं री हुड़दंगी पर लगाम कोनी लग पा रही छे। डीडवाना नगर पालिका री लापरवाही और अनदेखी सु शहर माए खुला आम लावारिस पशु घूम रिया छे, जिसु शहर माए वाको हुड़दंग हावी हो रियो छे। जटे एक ओर या लावारिस पशु लोगा रे ताई भारी परेशानी रो सबब बनेडो छे, वटे ही ईसु यातायात भी प्रभावित हो रियो छे। बता देवा आवारा पशुआ के कारण कई बार दुर्घटना भी हो चुकी छे, पण या पशुआ री धरपकड़ माए पालिका प्रशासन लाचार साबित हो रियो छे। आज भी शहर रा अनेक थाना पर आवारा पशुओं रा झुंड देखो गयो। नगर पालिका रे सामने, न्यायालय परिसर रे सामने, बीच सड़क पर आवारा पशु बैठा दिखाई दिया। वटे ही रॉयल मार्केट सु चुंगी नाका तक डिवाइडर पर भी लावारिस पशुओं रा जमावड़ो लग रियो। चाकसूरा NH-12 रे घुमाव पर आज भीषण सड़क हादसो हो गयो। घुमाव कट पर एक बजरी रा ट्रेलर और इलेक्ट्रॉनिक सामान सु भरेडो ट्रक माए भीषण भिड़ंत हो गयी, जिके बाद बजरी रा ट्रेलर माए आग लाग गयी। हादसा री सूचना मिलबा पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझावर प्रयास माए जुट गई। हालांकि हादसा माए किसी प्रकार री जनहानि कोनी हुई, पर हादसा के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गयो। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल री आज पुण्यतिथि छे। ई मौका पर राजस्थान रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार पटेल ने श्रद्धांजलि देता हुआ बोलिया कि वह स्वतंत्रता आंदोलन रे दौरान प्रमुख नेताओं में सु एक छा और वह स्वतंत्रता रे बाद देश री एकता एकीकरण री दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई छी। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका रे दौरा री तैयारियां माए छे, पण उसु पहली कप्तानी रो विवाद भड़तो जा रियो छे। विराट कोहली ने वनडे की कप्तानी सु हटाए जाबा और रोहित शर्मा
द्वारा टेस्ट सीरीज सु बाहर होबा के बाद कई तरह री अटकले लगाई जा रही है। ई पूरा मामला में भारतीय क्रिकेट बोर्ड री तरफ सु आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने कोनी आयो छे, पण ई बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ई पूरा विवाद पर बड़ो बयान दियो छे। ठाकुर सु जब दोनों कप्ताना रे बीच मतभेद पर पूछो गयो तो वा बोलिया के खेल सु बड़ो कोई कोनी छे, खेल ही सर्वोत्तम छे। किसी खिलाड़ी रे बीच माय काई चल रियो छे मैं ऊकी जानकारी कोनी दे सकू छू, या वासु संबंधित एसोसिएशन या संस्थान री जिम्मेदारी छे। यही सही होगा कि वा ई पर जानकारी देवे। राजस्थान दी खबर माय फिलहाल इतनो ही। राम राम।